हेलो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कमेंट सेक्शन में वंदे मातरम, जय हिंद, जय भार जरूर लिखना। आप बोलोगे सर इससे क्या होती है, होता है अपने अंदर एक देशभक्ति का जुनून सा रहता है, हम मिट्टी से जुड़े रहते हैं। हरियाणा सिटी एक आपके लिए महायुद्ध की तरह है। पहले लड़ाइयाँ तोपखानों से होती थी, पहले लड़ाइयाँ होती थी तीर भालों से, अब लड़ाइयाँ जो एक पढ़ने वाले बच्चे को लड़नी पड़ती है वो दिमाग से लड़नी पड़ती है। तो इसीलिए जिस तरीके से योद्धा जंगलों में प्रैक्टिस करते थे, तलवारें चलाते थे, तो आजकल योद्धाओं को लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन उसके लिए सही डायरेक्शन होना जरूरी है कि बच्चा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, या वो स्टडी इरिलेवेंट कर रहा है। तो एक सीनियर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते थोड़ा सा गाइड जरूर करूँगा। मुझे लग रहा था कि एक वीडियो इस पर बनानी चाहिए, क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कर सीटी पे एक वीडियो और बना दो। हरियाणा जीके में आपने आपको पता भी होगा कि सीटी पास को हरियाणा सरकार 9,000 देने जा रही है कि सीटी 2 साल तक, और उससे बेहतर भी है कि बच्चा किसी का वायदा वे लक खराब हो और उस दिन का सिलेक्शन ना हो तो वो साल 6 महीने अपने शहर में डटा रहे, 9,000 के सहारे महीने में आता रहे और पढ़ता रहे। चलो शुरुआत करते हैं कि आपका जो 100 नंबर का रहेगा सीटी कैसा आएगा। बेटा अगर वो 9,000 रुपये दे रहा है, ऑब्वियसली बात है सीटी का पेपर बहुत अच्छा आएगा। नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे साथ, मंत्रा 50% कोड के साथ बैच नंबर 26 ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप बहुत अच्छी तैयारी करोगे, जहाँ पर मेरी टीम ने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दी है, जहाँ हमारी टीम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पढ़ाती है, जहाँ पर हमारी टीम ऑलरेडी पहले से ही सारे जितने भी टीचर्स हैं वेल प्राइ, ये नहीं कि टीचर आपको मैथमेटिक्स करा रहा है, वही रीजनिंग, वही आपको हिस्ट्री, वही पोल्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही सब कुछ। एक ही आदमी एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है। आप सचिन से रोनाल्डो की तरह उम्मीद नहीं कर सकते कि वो फुटबॉल पे लात मार देगा। अगर मैं मैथ के फील्ड में जाऊँगा तो मुझे मैथ आता तो होगा, उससे मैं नए नए बच्चों को लुभा तो लूँगा, आसान आसान क्वेश्चन करवा तो दूंगा, लेकिन बेटा वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच और वो सिलेक्शन वाली अप्रोच नहीं होती जो एक अच्छे मैथ के अध्यापक में होगी जो रेगुलर 8 से 10 साल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। मेरा जीएस के फील्ड में 9 साल का अध्ययन रहा है कि 9 साल मैंने पढ़ाया है और 16-17 साल से मैं जीएस पढ़ते आ रहा हूं। तो मुझे जीएस का पता है, बस इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। थोड़ा थोड़ा बेसिक इतना जरूर पता होगा कि मैं कोई एग्जाम निकाल लूँ, या थोड़ा थोड़ा इतना पता होगा कि, बट मैं पढ़ा नहीं सकता उस फील्ड में। तो हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक टीचर्स नोट्स, क्लास नोट्स, बुक्स के थ्रू होने की आदत डाल दो। ये नहीं कि नोट्स पीडीएफ आ गए सर, कहीं से नोट्स आ गया वो भी पढ़ लिया। एक पुस्तक को बार बार रगड़ने की आदत डालो, ये नहीं कि मार्केट में उस पब्लिकेशन ने उतार दी उसकी ले ली। अब जैसे पहले से ही हरियाणा आपके पास है तो मैंने ये बुक लॉन्च की थी हरियाणा दूरदर्शन, मार्केट में सभी बुक स्टोर पर अवेलेबल है। तो मैंने बोला था कि बेटा आपके पास पहले से ऑलरेडी कोई बुक है, देन यू हैव नो नीड ऑफ परचेजिंग दिस बुक, आप ना खरीदें। इसकी ऐसी चीज़ों के पीछे भागोगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। आइए इस बात पर चर्चा करते हैं, एक अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे हरियाणा जीके का आपके प्रति माहौल बनाया गया कि 25 नंबर की आएगी। तो बेटा ऑब्वियसली बात है 25 नंबर की आएगी तो 9,000 दे रहा है तो अब की बार अच्छे लेवल की आएगी। 25 नंबर की देगा तो अच्छे लेवल की डालेगा, तो जो क्या पता वो पी वाई क्यू का ट्रेंड ही बदल दे। हम क्या कर रहे हैं, अब तक तो यही ट्रेंड कर रहे हैं कि पी वाई क्यू ही आते हैं मोस्टली, या हरियाणा जीके में 17+18+, मैं भी बोलता हूँ 20+, हर कोई ले लेता 25 में से। लेकिन रणनीति हर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि राजा महाराजा युद्ध करते थे तो प्लानिंग भी करते थे। अजीत डोभाल अगर कहीं पर हमला करवा रहे हैं, अजीत डोभाल सर कहीं पर प्लानिंग कर रहे हैं हमारे देश के लिए, तो इसलिए बात है प्लानिंग करते हैं, तो हमारे भी प्लानिंग उससे आगे होनी चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट इतने नंबर का है और बार बार पी वाई क्यू दे रहा है, एचएससी को भी पता हम पी वाई क्यू दे रहे हैं और नए बच्चे को भी पता है, हो सकता है वो ट्रेंड चेंज कर दें। ट्रेंड चेंज करने का मतलब वो क्या पता वो अब की बार हरियाणा जीके के थोड़ा अपडेटेड सा कंटेंट पूछ ले, हरियाणा जीके को इंडियन जीके से रिलेवेंट करके क्वेश्चन डाल दे। तो यहाँ पर आपको एक तो हरियाणा जीके की कोई भी बुक हो आपके पास बेटा, कोई भी बुक, लेकिन अच्छे पब्लिकेशन की होनी चाहिए, अरियंत, एकलव्य या अपनी हरियाणा दूरदर्शन, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है। अपने वाली नहीं लेनी है अगर आपके पास पहले से कोई बुक है। बुक में क्या करना बेटा, चैप्टर वाइज थ्योरी, जैसे आपने आज का एक टारगेट रखो डेली का,
कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और इस टॉपिक में से अगर कोई एमसीक्यू आ जाता है मेरे मॉक टेस्ट में, तो मैं इससे मैं कोई गलत नहीं करूंगा। जैसे मैं हरियाणा जीके का टॉपिक ले लेता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। जैसे मैंने आज हरियाणा का टॉपिक आपको पढ़ना है सुबह, प्रशासनिक परिचय, जहां से आपको पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चाहे इसमें 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, नेशनल जीके से जोड़ के पढ़ना शुरू कर दो, उसमें हमारी एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी। जैसे हम प्रशासनिक परिचय में अगर यहाँ राज्यपाल का जिक्र कर रहे हैं कि राज्यपाल आर्टिकल 153 में संवैधानिक मुखिया होता है देश का, वो 213 में अध्यादेश करता है, हमारे नंबर 18वें नंबर के बंधारण रहता है, उनका जन्म जून 1947 में तेलंगाना में हुआ। तो इस तरीके से हम राज्यपाल के बारे में पढ़ते, पहला राज्यपाल धर्मवीर था, 10 महीने कार्यकाल रहा, दूसरा बी एन चक्रवर्ती था जिसका लंबा कार्यकाल रहा 1967 से 1976, फिर उसके बारे में कि वो आईएएस ऑफिसर थे, उसने वेतन पे किया, एक ऐसा राज्यपाल जिसके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो यहाँ पर राज्यपाल के बारे में आपको 100 से 150 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। फिर इसी टॉपिक को रिलेवेंट कर दो राष्ट्रपति से, तो नेशनल जीके कवर होगी मेरे बेटा। आप बताओ भाई, अगर राष्ट्रपति 52 में है तो 101 जोड़ दोगे तो क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो हम रिलेवेंट करना सीख जाएंगे चीजों को। प्रशासनिक परिचय से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 2 से 3, तो सुबह उठ के एक टॉपिक कवर करना, फिर दिन में उसके एमसीक्यू लगाना उसी बुक से कि एमसीक्यू लगाऊंगा सर, फिर देखो कि उसमें से पीवाईक्यू क्या पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, फिर अपने दिमाग की उपज खुद कि इसमें से क्या चीजें पूछ सकता है। ये नहीं कि टीचर ने वन लाइनर पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया कि हाँ इससे बाहर कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा एक झूठ परोसा जाने वाला मार्केट में होता है, और एक अध्यापक की श्रेणी में यह शोभा नहीं देता कि वो कोई बोल दे कि बेटा इससे बाहर कुछ नहीं है, क्या पता इससे ही सब कुछ बाहर आ जाए। बट हमारी अप्रोच और अच्छी है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन डाल दे सीडीएस की तरह, यूपीएससी की तरह, पीसीएस की तरह, तो हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करने हैं। हमें हर तरीके की रणनीति से तैयार रहना, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ गया, एक रटी एक पैटर्न से, ट्रेडिशनल पैटर्न से हम चलते रहेंगे, नहीं। हमें हर तरीके से अब क्या करना पड़ेगा, अवगत रहना पड़ेगा और चीजों को रियलाइज करना पड़ेगा कि ये बात हो सकती है या नहीं हो सकती। आर यू एग्री विद मी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरी क्लास थी तो मैंने सोचा मैं क्लास से पहले एक वीडियो बना दूं, क्योंकि बच्चों की डेली आती है कि सर एक वीडियो ऐसी बना दो कि बस खत्म सिस्टम। तो हरियाणा जीके को इस तरीके से कवर करना है, एक बुक्स ली, खुद के हाथ से नोट्स बनाए। जो बच्चे जॉब करते हैं वो अपना अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ आती रहती है हरियाणा जीके की 7:30 बजे वाली क्लास में, डेली उस पीडीएफ को गर्म पानी के साथ रात को लें, ग्रैब करने की कोशिश करें। अगर आप पर जॉब पर भी हो फिर भी लिखने की कोशिश क्या करो मैक्सिमम, क्योंकि लिखी खुद की लिखी हुई चीज़ें याद रहती हैं अक्सर, वो खत हो चाहे कुछ भी हो। तो अपनी जो खुद की चीज़ें हैं तो प्लीज़ उन चीज़ों को हाथ से लिखने की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो ये हरियाणा जीके का आ गया, किसी को डाउट हरियाणा जीके में। दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। अब मैथ के क्वेश्चन आपको यहाँ सीजीएल लेवल के नहीं करने, आपको यहाँ एचएससी की अप्रोच देखनी पीवाईक्यू में कि ये कहाँ से क्वेश्चन डाल रहा है, एडवांस आ नहीं रहा, अर्थमेटिक आ रहा है, हो सकता है एडवांस पूछ ले, तो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का, ज्योमेट्री का, ये साइन थीटा कोस थीटा आप सभी को 10वीं में कर रखा है, तो अगर एक बार प्रैक्टिस भी करोगे 2-4 घंटे तो उसको भी रगड़ देना, क्योंकि हमें उससे थोड़ा सा आगे से चलना है। अगर दुश्मन की तैयारी 80% है तो हमें 100% लेके चलना है, और यहाँ हमारा दुश्मन कौन है, एग्जामिनर जो पेपर को सेट करेगा, वो जैसा सोच रहा है उससे अगले 2 कदम हमें सोचना पड़ेंगे तब जाके हम जीतेंगे, क्योंकि हम उसके दुश्मन हैं। ये ध्यान रखना कहीं सोचो कि हम उसके स्टूडेंट एग्जामिनर के, ना ना, वो तो ये चाहेगा कि जो जीतेगा वो विजेता होगा, वो मेरे ऊपर। अब इसलिए वो 100 के 100 क्वेश्चन आसान क्यों नहीं देता, इसलिए देता है कि 100 के 100 आगे तो मेरी बेइज्जती है। वो 90 टॉपर के क्यों नहीं आने देता, उसको पता है कि पेपर की धज्जियां उड़ेंगी कि यार क्या पेपर बनाया 100 के 100 ले लिए। एक बार हुआ था ऐसा वीएलडीए में, एक बच्चे ने मार दिए थे, 93 नंबर पहली बार आए थे हमारे समय में, तो ये क्या पेपर था ऐसा मार्केट में, अगली बार 74 पे कट ऑफ गई थी, टॉपर 82 नंबर थे। तो हमें मैथमेटिक्स में क्या करना है, जैसे आपके पास आरएस अग्रवाल है, आपको ये नहीं सोचना कि ये मोटी सी बुक ले लूं, आरएस अग्रवाल तो पतली है इससे, बेटा अगर इसने आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ लिया या जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से इसको भी रगड़ दिया, तो आप 15 में से 15 ले मरोगे, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है। और मैंने ये आर एस अग्रवाल लिख दिया, इसका मतलब यही नहीं पढ़नी है, ऐसी कोई बुक वारियंत की हो, आर एस अग्रवाल की हो, शारदा पब्लिकेशन की हो, किसी की भी हो, जिसमें खूब सारे प्रैक्टिस आपको करने को मिले,
ऐसी बुक लेके क्या करना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखने की कोशिश करनी है। यूट्यूब पे किसी टीचर ने आके करवा दिया, एक काम 10 दिन में होता है, दूसरा 20 दिन में करता है, दोनों बताइए, 1/20 लेके लघुत्तम करके, 1 और 2 जोड़ के 3/20, 6 सही 2/3 उत्तर, खुश हो जाना। ये इससे नहीं काम चलेगा, ये सबको आता है, और जो सबको आता है वो सिलेक्शन कभी नहीं देता। जो बहुत कम लोगों को आता है वो पढ़ना है, और बहुत कम लोगों को आता है तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, जो ज्यादा मेहनत करेंगे, जो लाइब्रेरी में समय बिताएंगे, जो बुक्स के साथ अपना समय स्पेंड करेंगे, जो किताबों को ज्यादा समय देंगे, जो ज्यादा कंटेंट पढ़ेंगे। क्योंकि जो सबको आता है वो सिलेक्शन कभी नहीं देता। 50-60 नंबर सबके आते हैं, एक भीड़ होती है, लेकिन जो बैरियर छंट के आता ऊपर करीम, वहां तक आपको पहुंचना है तो बेटा एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। लाइक रीजनिंग में भी सीटी लेके लेते हैं हम, और वीडियो जरूर बताना कैसा लगा प्लीज। अगली कोई डिमांड हो तो नीचे कमेंट कर देना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। रीजनिंग की कोई भी एक बुक लो, आदत छोड़ दो कि आपके पास रीजनिंग की 5 बुक है, ये घटिया आदत होती है। 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार रगड़ दें, और उस बुक से बाहर हमसे कोई पूछे तो बोल देना पूछ क्या पूछेगा इस क्वेश्चन से। तो यू हैव ए एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे इस किताब को रगड़ रखा है। एनसीईआरटी 6 से 10वीं तक की साइंस, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, मुझे पेज नंबर तक याद है 9th और 10th के, तो साइंस के 143 पेज के उस कोने में ये लाइन है, मैं साइंस की किताबें नहीं लेके आता। हालांकि साइंस मंत्रा मैंने खुद लिख रखी है, बट मैं नहीं लेके आता साइंस की और किताब। कब लेके आता हूं, जब मुझे पढ़ाना होता है, खुद के लिए पढ़ना नहीं होता, जब मुझे पढ़ाना होता है कि कुछ नई चीज आई होगी। अब रीजनिंग में क्या करना है, एक बुक ली, एमसीक्यू लगाए, कॉन्सेप्चुअल तरीके से अपनी ट्रिक बनाई खुद की, या टीचर कोई अच्छी ट्रिक करवा रहा है, या खुद कोई अच्छा टीचर कॉन्सेप्चुअल करवा रहा है, फिर उसके PYQ देखो जो रेलवे वेलवे में आए हुए हैं, छोटे एग्जाम में CHSL MTS में आए हुए हैं, फिर देखो कि HSC में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि कैलेंडर से कौन से क्वेश्चन पूछता है वो, डाई से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो एनालॉजी से किस क्वेश्चन, डिकोडिंग कोडिंग से किस क्वेश्चन पूछता है, अल्फाबेट वाले आपको ABCD ट्रिक को याद होना चाहिए कि 20वें नंबर पर कौन सा है तो 5वें पे कौन सा है, तो एक चीजों को रिलेवेंट होना चाहिए। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे कमांड बनाओ, हरियाणा जीके में जो मार्केट में हाइप बनाई जाती है, आज आप देखोगे हरियाणा जब से 25,000 का रिजल्ट आया है, जिस मास्टर को हरियाणा, ये विरोधाभास नहीं है, जहां पत्थर मारोगे वहीं पर हरियाणा जीके का टीचर मिलेगा। उनको पता है कि नया बच्चा है, नए बच्चे में एक दिमाग जो परसेप्शन है, शायद आपके भी दिमाग में होगा, आप जरूर बताना ये बात आपके दिमाग में चल रही होगी कि रीजनिंग तो आसान होती है कर लेंगे, हिंदी बहुत आसान होती कर लेंगे, मैथमेटिक्स 15 नंबर का है 10वीं तक का आता कर लेंगे, और इंग्लिश 15 नंबर की है कोई उखाड़, 60 नंबर का सब्जेक्ट है, सिलेक्शन से इतनी दूर बाहर फेंक देगा जितनी दूर बॉलीवुड से उर्फी जावेद है। तो प्लीज़ अपने आप को इन 4 सब्जेक्टों पर कमांड करा के सिलेक्शन की तरफ बढ़ें। हरियाणा जी के अगर वो बहुत अच्छे लेवल की पूछता वो समझ लेना सबको नहीं आती पेपर में जो बैठेगा, अगर हरियाणा जीके का ठीक लेवल रखा वो सबको आती मिलेगी। करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन आएंगे वो किसी को आते नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि वो किसी बाय द वे हो सकता है किसी करंट अफेयर की मैराथन से आपको मिल जाए, बट 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा 25 में से, उसकी टेंशन लेने नहीं है। हमें यहाँ टारगेट करना है 20+ का, कि 20-22 नंबर मार के, ये जो 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं 15, 15, 12+ और 12+, इतना स्कोर की गारंटी है अगर एक बच्चे की अच्छी कमांड है। अब हिंदी के लिए कार्तिक हिंदी की 323 बुक उतार दी हमने मार्केट में, क्या किया हमने, HSC में जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे इसमें थ्योरी चैप्टर वाइज थ्योरी जितने भी आज तक के आए हुए हैं हमने उतार दी। तो हिंदी के लिए क्या करना है, एक बुक जो आपके पास पहले से ही है, अगर नहीं है तो आप कार्तिक हिंदी ऐप से ऑर्डर कर सकते हो, बुक का ऑप्शन है घर पर, 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगी, जिन बच्चों की पहुंची नहीं है प्लीज वेट करें, 2-3 दिन में आपके पास भी पहुंच जाएगी। तो हिंदी को भी सीरियस लेना है प्लीज, ये 4 सब्जेक्ट इनको सीरियस लेना है, इसीलिए स्पेशल वीडियो बनाई है। 7:30 बजे मेरी हरियाणा जीके की स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कम लाइव चलेंगे, नए बच्चों को पढ़ा लूंगा मैं, नए बच्चों का सिलेबस करवा दूंगा मैं, लेकिन जो पुराने बच्चे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लें। अपना एक सब्जेक्ट आता है नेशनल जीके, जिसको हम नेशनल अवेयरनेस भी, नेशनल जीके या जी जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हो। आपको यहां पता चलेगा कि आपके पास करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन होंगे,
जैसे आपका अगर सीटी जनवरी में होता है, फरवरी में होता है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी घटना, कौन सा दिवस क्या आया है, ये इंपॉर्टेंट है। सरकार ने कौन सी स्कीम लेके आई है, दिवस से क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे अब दिसंबर में कोई एड्स दिवस 1 दिसंबर का है, पूछ ले उसकी थीम क्या थी, लोगों को किसने ब्रांड, मतलब सरकार ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फरवरी का कोई, फरवरी में पेपर है, कैंसर दिवस कब का है, तो वो देखेगा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। यहां से आपको एनसीईआरटी बेस पढ़नी है। अब कई बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर एनसीईआरटी कौन सी, अरे एनसीईआरटी एनसीईआरटी होती है, इसका कोई ऑथर, एनसीईआरटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी बॉडी है, एक गवर्नमेंट बॉडी, जिसकी किताब आपको मार्केट से मिल जाएंगी और वो सिर्फ एसएस की होती है, और उस सामाजिक अध्ययन जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब आता है, उसमें आपको 6ठी से 10वीं तक की रीड करनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। यहां पर अगर वो स्टैटिक का डाटा 10 पूछता है तो 10 के 10 ठीक करके आ जाओगे, अगर ये बात मान ली तो। लुसेंट अच्छी बात है, रगड़ दो लुसेंट का डाटा, बट कि सर हमें टॉपर बनना है, सर मुझे तो एक्साइज इंस्पेक्टर जाना है, सर मुझे तो ऑक्सन रिकॉर्डर बनना है, क्योंकि बेटा यहां पर अब सीजीएल बन गया है ये, अब सीटी को सीटी मत समझो, ये सीजीएल है स्टेट एग्जाम का। क्यों है, क्योंकि भाई अगर एक बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर मुंबई में है ना, तो हरियाणा पुलिस में पीएसआई सब इंस्पेक्टर लगने के लिए वो नौकरी छोड़ के आता है एक्साइज इंस्पेक्टर में। मुंबई पोस्टिंग है, हरियाणा में एसआई की नौकरी करेगा, 5-7 साल में इंस्पेक्टर बन जाएगा, क्यों करेगा भाई वो, तो ये इसको सीजीएल मान के चलो हरियाणा का, कि हाँ सीजीएल है भाई, अच्छे लेवल की जीएस, अच्छे लेवल का मैथमेटिक्स, अच्छी रीजनिंग, अच्छी हिंदी, वहां हिंदी नहीं आती, यहां हिंदी थोड़ी आती है, तो हिंदी पे कमांड करनी है। मतलब ये है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए हर सब्जेक्ट पर। और मेरा तो एक मानना है कि हम हर सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ें कि जैसे हमको कल को अध्यापक बनना है, कि मैं इस चीज को कैसे याद करूं कि मैं बच्चे को याद करवा सकूं, क्या पता आप फिर बाद में टीचिंग फील्ड में भी आ जाओ। तो यहां पर आपको एनसीईआरटी रगड़नी सारी की सारी, 6ठी से 10वीं तक की, ठीक है ना। उसमें हमें सामाजिक अध्ययन मिलता है, वहां पर यह नहीं मिलता हिस्ट्री की दे दे, पॉलिटी की दे दे, ये तो 10वीं 11वीं के बाद होता है। तो सामाजिक अध्ययन जो हम सोशल साइंस पढ़ते हैं उसकी किताब आती 6ठी से 10वीं। आप बोलोगे सर 4-5 किताब लेने, फिर आता है इसका एनसीईआरटी सार संग्रह, ये किसी पब्लिकेशन का है, यहाँ पर कॉपीराइट भी मार देते हैं कई तो ऐसे हैं, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेता। तो एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से ले लो, या कोई और बुक जो आपको लगे एनसीईआरटी बेस है, बहुत सारी मार्केट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये डाल देना। इंग्लिश है, इंग्लिश 15 नंबर की है, क्यों हल्के में ले रहे हो, प्ली टू पैरामाउंट नीतू मैम की वॉल्यूम 1, या एस बक्सी की किताब, या फिर आपके जो ऑफलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं अच्छे हैं, सीजीएल में अच्छा एग्जाम दिया है, सीजीएल में इंग्लिश अच्छा सब्जेक्ट रहा उसका, कि उसने 200 में से 180 मारे हैं, 190 मारे हैं, उस बच्चे की पकड़ मिलेगी, वो बेसक से नया टीचर हो बट उसकी इंग्लिश पर अच्छी कमांड मिलेगी, वो आपको इंग्लिश के नए नए मेथड्स बताएगा कि इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, कि वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे याद करने, इडियम फ्रेजेस कैसे याद करने, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, टेंस, नरेशन, वॉइस। तो इंग्लिश के सिलेक्टेड से 15 से 20 टॉपिक है, 15 टॉपिक करके जाओगे तब भी 10+ नंबर ले लोगे, लेकिन उस पर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बेटा 9000 का मैटर है, 9000 वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब रहती है कंप्यूटर की, सर कंप्यूटर की रुक्मणी पब्लिकेशन की बहुत अच्छी प्यारी बुक आती है, बहुत मोटी बुक होती है। कोई टीचर बोले कि हमारा पढ़ाया हुआ है कंप्यूटर, बेटा 56-57 गुरु के मेंस के पेपर में से किसी टीचर का कोई पढ़ाया हुआ नहीं आया, हमारी खुद की मैडम, हम एक्सेप्ट करते, मैडम ने भी बोला सर 2-3 ही क्वेश्चन फंसे क्लास से, मैं क्या हुआ, बोली सर आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। और वो मैम बैंकिंग में पढ़ाती है, जहां पर बैंकिंग में तो टॉप लेवल का कंप्यूटर आते हैं पिछले 15 साल से, हिसार में सागर इंस्टीट्यूट है बैंकिंग का, बहुत टॉप का इंस्टीट्यूट है, अपने अपने किसी सीनियर से पूछ लेना, वहां पर हमारी मैम ऑफलाइन में टीच करती है, जो ऑनलाइन में हमारे पास कविता मैम है। तो कंप्यूटर को हल्के में लेके नहीं चलना है कि कंप्यूटर आगे कर लेंगे, बेटा कर लेंगे नहीं है, आज का माना डू एंड डाई का, लेट्स ट्राई गया, लेट्स ट्राई बहुत 1990-95-2000 के आसपास का गया, लेट और 2024-25 की आप उसमें आ चुके हैं, तो अब तो डू एंड डाई से भी अगर सिलेक्शन हो जाए तो हम उस परमपिता परमात्मा का 100 बार कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए कि हे भगवान मेरी मेहनत को आपने जाया नहीं करने दिया, क्योंकि बेटा मेहनत तो यहाँ हजारों लाखों लोग करते हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा लोग आते हैं, उस परमात्मा का भी आशीर्वाद रहता है, उस परमात्मा का भी हमें एक एक दिव्य शक्ति जो होती है, निराकार जो शक्ति होती है, उसका आशीर्वाद मिलता है। उसके लिए आपको नेक नीति स्पष्ट रखनी पड़ेगी, अपना दिल बहुत साफ रखना पड़ेगा, आपको एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा,
जलनखोरी दूर करनी पड़ेगी, एक सभ्य समाज का सभ्य नागरिक होना पड़ेगा, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देना पड़ेगा। तो आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप उसके साथ रेडी हो तो आप देख लेना, क्योंकि अक्सर भगवान उन्हीं की सुनता है जो दिल के बहुत साफ होते हैं। तो जो लक फैक्टर होता है वो यही होता है कि एक गरीब घर से भोले भाले माँ बाप का बच्चा बहुत ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि वो जो माँ बाप का आशीर्वाद होता है वो बच्चे को जरूर मिलता है। और आपने देखा होगा अक्सर चालू लोगों के बच्चे या बड़े घरानों के लड़के अक्सर चिट्टा पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए या इन तरीकों की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। रीजन क्या है? यही तो है, वो दैवीय शक्ति डाइवर्ट करती है, चीजों को कहाँ केंद्रित करती है उस सब ने उसने डिसाइड कर रखा है। तो सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो बता देना, लेकिन कमेंट सेक्शन में वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत जरूर ठोकना, और नए बच्चे तो टेलीग्राम ज्वाइन करना। मेरे साथ, मेरी टीम के साथ आप बैच नंबर 26 सीटी की तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ 1149 रुपये फीस है बेटा। मंत्रा 50 कोड लगा के आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। आपको कोई टीचर बोले हमने 2500 सिलेक्शन दी है, तो बेटा एक बार टेलीग्राम पे विजिट कराओ और उस मास्टर से बोलो, सर टेलीग्राम पे तो आपने 20 भी सिलेक्शन नहीं डाल रखे, मुंह से झूठ क्यों बोलते हो? तो भाई हमने झूठ नहीं बोला, टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हो, हजारों सिलेक्शन आपके सामने है इस 25,000 में से। क्योंकि ऐप बनने के बाद सबसे बड़ी भर्ती यही हुई थी, जिसमें हमने आप खुद को साबित करके दिखाया है कि ये है हमारा कंटेंट, ये है हमारी दिन रात की मेहनत, की हमारी नींद तक पूरी नहीं होती, हम दिन रात बच्चों के लिए लगे रहते हैं कि क्या कुछ एडवांस लेवल का पढ़ाते रहें कि वो अगर वो पूछे तो हम उससे पहले ही उस क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।